हेलो ऑल, वेलकम टू द चैनल। सो आज हम बनाने वाले हैं मसालेदार पुलाव की रेसिपी। तो चलिए फटाफट से देखते हैं हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट चाहिए। तो यहाँ पर हमने एक बोल भीगे हुए राइस ले लिए, एक बोल कटा हुआ प्याज, एक बोल कटे हुए आलू है, आधा चम्मच हल्दी पाउडर है, दो चम्मच मिर्ची पाउडर है, तीन चम्मच धनिया पाउडर है, एक चम्मच नमक है। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऊपर नीचे कर सकते हो। गरम मसाला है और मीठी नीम की पत्तियां हैं। और अब यहाँ पर हमारे पास छोले मसाला है और डाबा मसाला है। तो आपके पास घर में कोई भी मसाला हो आप उसको यहाँ पर यूज़ कर सकते हो, या फिर आपको कोई भी मसाला पसंद हो यहाँ पर भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि हमारे मसाले वाले पुलाव है तो थोड़ा मसाले वाले टेस्ट के लिए हम इन मसालों को यूज़ करेंगे। अब हमने यहाँ पर कुकर चढ़ा दिया था गैस पर, और अब हम इसमें दो चम्मच तेल डालेंगे। तो तेल आप अपने अकॉर्डिंग थोड़ा ऊपर नीचे कर सकते हो। तो तेल थोड़ा सा, अगर ये मसाले वाले पुलाव है तो थोड़ा सा ज़्यादा ही रहेगा, तो थोड़ा सही रहेगा। तो थोड़ा सा तेल और डाल देते हैं। तो अब हम तेल बिल्कुल गर्म कर लेते हैं, और अब हम इसमें डालेंगे जीरा। जीरा हमने यहाँ पर एक चम्मच लिया है। जीरा जब थोड़ा सा लाइट ब्राउन हो जाए, और अब हम इसमें एक चम्मच राई डालेंगे। जीरा और राई दोनों एक एक चम्मच। और अब थोड़ा सा जीरा लाइट ब्राउन हो जाए तब तक हम इसको थोड़ा सा फ्राई करते हैं। और अब हम इसमें डालेंगे गरम मसाला। गरम मसाले को कूट लिया था तो गरम मसाला डाल देंगे। तो गरम मसाला डालना बिल्कुल ऑप्शनल है। अगर आप ज़्यादा मसाले वाले पुलाव नहीं खाते तो फिर आप गरम मसाले को स्किप भी कर सकते हो, लेकिन गरम मसाले से काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। और फिर हम यहाँ पर थोड़ी नीम की पत्ती डाल देंगे। तो नीम की पत्ती, गरम मसाले, इनसे काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। और अब हम यहाँ पर प्याज डाल देंगे। तो प्याज और गरम मसाला, मीठी नीम, अब हम इन सबको फ्राई करेंगे। तो प्याज का आप ध्यान रखना, जब भी आप प्याज फ्राई कर रहे हो तो प्याज थोड़े से लाइट ब्राउन हो जाए तब तक हम इनको फ्राई करेंगे, क्योंकि प्याज अगर थोड़े से कच्चे रह जाएंगे, लाइट ब्राउन नहीं होंगे, कच्चे रह जाएंगे, तो फिर कच्चा कच्चा सा स्वाद आएगा, तो फिर वो अच्छा नहीं लगेगा। तो जब तक प्याज लाइट ब्राउन ना हो जाए आप उसको फ्राई करते रहो। तो अब हमारे प्याज बिल्कुल लाइट ब्राउन हो चुके हैं, तो अब हम इसमें आलू डाल देंगे जो हमने काटे थे। हमने इसमें आलू डाल दिए, और अब हम इसमें हल्दी डालेंगे, नमक डाल देंगे, धनिया पाउडर डाल देंगे और मिर्ची डाल देंगे। तो जो भी मसाले हैं हमारे पास हम सब इस वक्त डाल देंगे और उनको साथ में हिला के फ्राई कर लेंगे। तो एक बार हिला लो ताकि ये सारे मसाले अच्छे से आलू और प्याज में फ्राई होकर ऊपर नीचे हो जाए। अब हम इसमें डालेंगे छोले मसाला। तो अब हम इसमें छोला मसाला डाल देते हैं। मसाला बिल्कुल आपकी चॉइस है, आपको जितना पसंद है उतना डाल दो। थोड़ा ज़्यादा डालोगे तो मसाले वाले पुलाव बनेंगे तो और अच्छे लगेंगे। अब हम इसमें डाबा मसाला, तो मैगी मसाला भी आता है, तो अगर मैगी मसाला भी है आपके पास तो वो भी आप यहाँ पर डाल सकते हो, अगर डाबा मसाला नहीं है। अब हम इनको फ्राई कर लेंगे अच्छे से, इनको हिला लो ताकि ऊपर नीचे अपने आप में हो जाए। और अब हम इसमें चावल डाल देंगे। तो अपने चावल डाल देंगे हम इसमें पूरे। और अब हमने चावल डाल दिए। अब इनको एक बार और हिला लेते हैं, इनको एक दूसरे के साथ मिक्स कर देते हैं ताकि अच्छे से इनमें मसाला आ जाए। और अब हम इसमें पानी डाल देंगे। पानी हम यही ध्यान रखना कि पानी जो है वो चावल से 1.5 इंच थोड़ा ऊपर है, ताकि चावल उसमें भीगे रहे तो चावल पके। अब हम इस पर ढक्कन लगा देंगे। तो अब आप लोग ध्यान रखना कि हम इसमें दो सीटी लेंगे, एक सीटी फुल आँच पर और एक सीटी मीडियम आँच पर, और उसके बाद फिर हम गैस बंद कर देंगे। तो दो सीटी लेंगे। अब हमारे यहाँ दो सीटी आ गई तो हमारे पुलाव बिल्कुल रेडी है। तो अब हम इनको डाल लेंगे, सर्व कर लेंगे। तो लग रहे हैं ना काफ़ी टेस्टी हमारे पुलाव, तो इनको सर्व कीजिए, रेसिपी ट्राई कीजिए। कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कैसी लगी, और अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, और ऐसे ही अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।